नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग पैरामेट्रिक टेस्ट का जो एक लास्ट का हमारे पास टेस्ट है, रिपीटेड मेजर्स एनोवा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि जो रिपीटेड मेजर्स एनोवा है, उसका पर्पस क्या है, किस कंडीशन में उसे हम यूज़ करते हैं। देखिए, ये जो रिपीटेड मेजर्स एनोवा है, जब मोर देन टू सैंपल्स, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में बताया, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का एक्सटेंशन था एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, मतलब इसमें टू कैटेगरीज तक के डेटा को हम कंपेयर मींस करते हैं। इसमें अगर सेवरल मींस को कंपेयर करना होता है तब हम एनोवा। पेयर टी टेस्ट की लिमिटेशंस क्या है कि ये बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट सेम रेस्पोंडेंट को मेजर करता है, लेकिन अगर हमें सेम रेस्पोंडेंट्स को रिपीटेडली मेजर करना हो तब हम कौन सा टेस्ट लगाएं? या तो कई बार हम पेयर टी टेस्ट लगाएं, और जब पेयर टी टेस्ट लगाते हैं तो उसमें एक्सपेरिमेंट वाइज एरर आ जाते हैं, तो जिसके जिसको कम करने के लिए हम लोग रिपीटेड मेजर्स एनोवा लगाते हैं। तो रिपीटेड एनोवा मेजर्स, ये जो रिपीटेड मेजर्स एनोवा है, इसकी जो कंडीशन है कि इसमें मान लीजिए हमारे पास 10 रेस्पोंडेंट्स हैं, तो उनको हम कई बार मेजर करेंगे। मान लीजिए कोई डॉक्टर किसी पर्टिकुलर ग्रुप का जो पेशेंट्स हैं उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो तो 10 पेशेंट्स हैं, तो वो ये देखना चाहेंगे कि आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 3 मंथ्स, मतलब वो ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। आफ्टर मंथली भी ले सकते हैं, वीकली भी ले सकते हैं, पर डे भी ले सकते हैं, लेकिन जो रेस्पोंडेंट हैं वो हमारे सेम होने चाहिए। ठीक है, तो जब सेम रेस्पोंडेंट का हम रिपीटेडली ऑब्जर्वेशन मेजर करते हैं, उस केस में रिपीटेड मेजर्स एनोवा हम लगाते हैं। ठीक है, अब इसमें दो तरीके के अज्यूम्स होते हैं। एक तो डेटा हमारा पैरामेट्रिक, ये जो डेटा है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, वो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, होमोजेनिटी नहीं होता इसमें, स्पेरसिटी होती है। स्पेरसिटी होमोजेनिटी की तरह ही वो काम करती है स्पेरसिटी, और वो भी जो उसकी वो मोचलिस टेस्ट है उसकी जो वैल्यू है, जैसे लिविंग टेस्ट की वैल्यू 0.05 से ज़्यादा होनी चाहिए होमोजेनिटी के लिए। और इस तरीके के जो केस होते हैं रिपीटेड मेजर्स एनोवा वाले में, इसमें हम स्पेरसिटी की जो वैल्यू है, मतलब मोचलिस टेस्ट ऑफ स्पेसिटी की वैल्यू, वो भी नॉन सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि डेटा हमारा डिजायरेबल है। ठीक है, अब देखिए, इसमें एक हम छोटी सी केस स्टडी लेंगे, और उस केस स्टडी के थ्रू हम ये समझना चाहेंगे कि जो हमारा डेटा है वो कह क्या रहा है। केस स्टडी का नाम हमने ऐसे ही डाइट रख दिया है। डाइट का मतलब है कि एक डाइटिशियन ने न्यू डाइट चार्ट प्लान इंट्रोड्यूस किया वेट लॉस को रिड्यूस करने के लिए। तो वो ये चाहते हैं कि डाइटिशियन, उन्होंने 15 वीमेन को जो अपना वेट कम करना चाहती हैं, उनको उन्होंने 3 मंथ्स के लिए, फॉर 2 मंथ्स दिया, फिर इसके बाद 1 महीना हमने और बढ़ा दिया, तो 3 मंथ्स के लिए उन्होंने जो है डाइट का चार्ट दिया, जिसमें उनका वेट हमने मेजर किया, एक तो स्टार्टिंग में बेसलाइन में, और फिर उसके बाद आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ एंड आफ्टर 3 मंथ्स। तो इस तरीके से जो हमारा जो डाइट प्लान था वो 3 महीने के लिए हमने अपना डाइट किया। ठीक है ना, अब इसमें हमें करना क्या है, डेटा जो हमारे पास आया है, ये देखिए, ये डेटा है, इसमें हमारे पास आफ्टर 1 मंथ का भी डेटा है, आफ्टर 2 मंथ का डेटा है, और आफ्टर 3 मंथ का। अभी हमने जो हमारे पास 15 वीमेन है, ठीक है, उनका जो हमने डेटा लिया है 15 वीमेन का, ये देखिए, जो 15 वीमेन का जो डेटा है वो किलोग्राम में लिया है हमने, और अभी बेस लाइन में जो फर्स्ट वीमेन है उनका वेट है 105 kg, सेकेंड वीमेन है उनका 102 kg, 103 kg, 104 kg, और कुछ का 100 से कम भी है, 98 kg, 95 kg, 94 kg, इस तरीके से ये डेटा हमारे पास बेस लाइन डेटा है। ठीक है,
अब इसमें हमें करना क्या है कि जो डाइटिशियन है उन्होंने अपना जो चार्ट प्लान तैयार किया है और 1 मंथ के लिए उन्होंने अपने जो 10 पार्टिसिपेंट्स हैं, वीमेन पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको ये डाइट दिया उन्होंने। और आफ्टर 1 मंथ जो उनका जो वेट है वो रिड्यूस होकर आ गया 98, 97, 100, 105 था उसका 95, ये हमारे पास स्कोर आ गया आफ्टर 1 मंथ। ठीक है, फिर आफ्टर 2 मंथ हमने उनका ऑब्जर्वेशन लिया उन्हीं 15 पार्टिसिपेंट्स का, तो उनका वेट देखेंगे हम, फिर रिड्यूस हो रहा है 92, 97, 88, ये सारा रिड्यूस हो रहा है आफ्टर 2 मंथ्स। और जब हमने डाइट तीसरे मंथ में भी ली तो उसके बाद जो वेट है हमारा वो भी 75, 73, 68 इस तरीके से वेट रिड्यूस हुआ। तो देखने में लग रहा है कि जिनका जैसे पहले 105 था और आफ्टर 3 मंथ्स उन्होंने अपना वेट काफी लॉस किया, करीब करीब 20 kg किया, इन्होंने भी लगभग 30 kg के आसपास डेटा वेट लॉस किया। और ये भी देखिए 30, 20 इस तरीके से काफी वेट लॉस किया है इन्होंने। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो डाइटिशियन है जो इन्होंने अपना चार्ट प्लान बनाया है, क्या ये इफेक्टिव है, क्या ये लोगों का वेट लॉस करने के लिए इनका जो ट्रीटमेंट है वो अच्छा है। तो अब हम ये देखना चाहेंगे कि इसमें जो डेटा में रिपीटेड मेजर्स में कि जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मतलब ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ और आफ्टर 3 मंथ्स, उसमें हम डाइट का इम्पैक्ट देखना चाहते हैं आफ्टर 1 मंथ कितना हुआ, 2 मंथ के बाद कितना हुआ और 3 मंथ्स के बाद कितना हुआ। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि ये डेटा चूंकि कॉन्टिन्यूस है हमारा और इसको हम पहले इसकी नॉर्मेलिटी डेटा की हम चेक कर लेते हैं। तो नॉर्मेलिटी चेक करने के लिए देखिए हमारे पास ये जो तीनों वेरिएबल थे, पहले हमने इनको चारों वेरिएबल को ट्रांसफर किया डिपेंडेंट लिस्ट में, और इसके बाद केवल हमें यहाँ पर नॉर्मेलिटी टेस्ट ही यूज करना है और इसको हमने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया, ओके किया हमने, ओके करने के बाद हम भी देखना चाहते हैं कि डेटा हमारा नॉर्मल है या नहीं है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स के बारे में तो हम जानते ही हैं, अलग अलग बेसलाइन का वेट और इनका देखिए जो मीन इस वेट आ रहा है वो 102, 93, 85। ठीक है, खैर हमें जो मतलब है वो है टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी से। हमारा जो डेटा आ रहा है अलग अलग ग्रुप का, जिनका हमने मतलब ग्रुप तो वही है बेसलाइन वाले का, इसमें हमारा डेटा नॉन सिग्निफिकेंट है क्योंकि पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा है। ऐसे ही वेट आफ्टर 1 मंथ जब हमने मेजर किया उन्हीं पार्टिसिपेंट्स का, 15 जो हमारे पास वीमेन हैं उनका भी डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा है। ऐसे ही थर्ड केस में भी हमारी पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा है और फोर्थ केस में भी हमारा जो पी वैल्यू है 0.05 से ज्यादा है। इसका मतलब डेटा हमारा जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और होमोजेनिटी तो नहीं निकालते, उसी के इक्वलेंट हमने बताया स्पेसिटी है जो हम मोचलिस टेस्ट के थ्रू निकालेंगे जब अभी टेस्ट कंडक्ट करेंगे तब। ठीक, अब देखिए अभी टेस्ट परफॉर्म करना है हमें, यहाँ एनालाइज में जाएंगे हम, और एनालाइज में जाने के बाद ये लिखा है जनरल लीनियर मॉडल और रिपीटेड मेजर्स। रिपीटेड मेजर्स में हम यहाँ वेट लिख सकते हैं क्योंकि वेट के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, और वेट के हमने यहाँ पर 4 लेवल्स बनाए हैं, 4 बार मेजर किया है, एक बेसलाइन में आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ और आफ्टर 3 मंथ्स। अब ये डिफाइन को हम क्लिक करेंगे और जो बेस लाइन से लेके आफ्टर 3 मंथ तक का जो वेट है उसको हमने यहाँ पर ट्रांसफर किया है। अब जो ये मॉडल आ गया, मॉडल में हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया और कंट्रास्ट में भी हम लोग यहाँ पे पॉलिनोमियल की जगह रिपीटेड और इसको यहाँ चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद देखिए रिपीटेड आ गया इधर कंट्रास्ट में, फिर कंटिन्यू किया। प्लॉट्स भी अभी हमें नहीं चाहिए, प्लॉट्स भी नहीं चाहिए। इसके बाद
कॉस्ट ऑफ किससे नहीं होगा, दूसरा सेव, अगर कोई सेव वैल्यू करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा पर्पस सेव करने का नहीं है। ये देखिए यहाँ पे ओवरऑल और वेट को हमने डिस्प्ले मीन्स के लिए ट्रांसफर किया, और ये एलएसडी की जगह हम यहाँ बॉन फेरोनी चेंज करेंगे, और डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन स्टेटिस्टिक्स और होमोजेनिटी टेस्ट। ठीक है, होमोजेनिटी जैसे भी हमने बोला था, इसमें इस तरीके से यहाँ पर होमोजेनिटी टेस्ट लगा सकते हैं। वैसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हमें जिसकी रिक्वायरमेंट है, केवल हमें तो देखना है कि डाइट का इम्पैक्ट हो रहा है या नहीं, बस ना। ये देखिए कंटिन्यू हमने किया, कंटिन्यू करने के बाद हमारा हमने ओके किया, ओके करने के बाद देखिए हमारे पास जो रिजल्ट है वो इस तरीके से आ गया। इसमें देखिए हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल जो देख रहे हैं हम, इसमें बेसलाइन, वन मंथ, आफ्टर टू मंथ, आफ्टर थ्री मंथ। अब जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है इसको हम समझते हैं। ये मीन वैल्यू है, मतलब जो 15 पार्टिसिपेंट्स थी वीमेन, उनका एवरेज स्कोर जो है वो 102 था। आफ्टर वन मंथ उनका वेट जो मीन स्कोर जो था वो रिड्यूस हो गया, देखिए काफ़ी कम हुआ है ना। और फिर इसके बाद उन्हीं 15 लोगों का मीन स्कोर और भी कम हो गया, और फाइनली उनका जो मीन स्कोर था वो 69.8, लगभग 32 केजी के आसपास उनका वेट कम हुआ है। इसका मतलब वो इफेक्टिव हमें लग रहा है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है। मल्टीवेरिएट टेस्ट में देखिए ये जो सारे रिजल्ट सारे हमारे पिलाई ट्रेस, विल्क लैम्डा, हॉटलिंग ट्रेस, रॉयस लार्ज रूट, ये सारे के सारे हमारे जो वो आ रहे हैं रिजल्ट फेवर में है, क्योंकि इनकी सभी की वैल्यू 0.05 से कम है। दूसरा, हम बात कर रहे थे कि जो मोचलिस टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी है, ये डेटा की होमोजेनिटी के बारे में बताता है कि जैसे हम विद इन ग्रुप में होमोजेनिटी है या नहीं है, क्योंकि अक्रॉस ग्रुप्स में तो होमोजेनिटी हम लिव इन टेस्ट के थ्रू करते हैं, लेकिन विद इन ग्रुप में जो होमोजेनिटी है उसके लिए हमने मोचलिस टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी अप्लाई किया। ये जो वैल्यू आ रही है हमारी इसकी मोचलिस की 0.009, इट इज़ नॉन सिग्निफिकेंट, जो कि डिजायरेबल नहीं है। हमें इसकी वैल्यू जो थी वो 0.05 से ज़्यादा होनी चाहिए, और ये इसके कम है। तो फिर इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रीन हाउस गेजर और ह्यूनफेल्ड की जो वैल्यू है इनका दोनों का सम ले लेते हैं, और वो सम लेके डिवाइड जब करेंगे, एवरेज जब लेंगे, तो वो 0.5 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हमारा आ गया है। ठीक है, अब ये वही चीज़ें हैं जो अभी हमने डिस्कस किया है, ये ग्रीन हाउस गेजर और ये जो लोअर बाउंड, ये सब सिग्निफिकेंट दिखा रहा है यहाँ। खैर, हमारा जो पर्पस था वो इंटरप्रिटेशन करना था कि हमारा जो रिजल्ट आया है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारा जो रिजल्ट है वो सिग्निफिकेंट रिजल्ट आ रहा है, और हम ये कह सकते हैं कि जो डाइटिशियन ने न्यू डाइट को इंट्रोड्यूस कराया और यूज़ किया 15 वीमेन को डाइट वेट लॉस करने के लिए, उसका जो 3 मंथ्स का जो प्रोग्राम था वो काफ़ी इफेक्टिव रहा। और नल हाइपोथेसिस हम इसमें इस तरीके से बना सकते हैं कि हम ये मान लें कि देर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दी जो ट्रीटमेंट जो कर रहा है, ट्रीटमेंट और जो विदाउट ट्रीटमेंट ग्रुप बेसलाइन वेट वाले में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में हमें क्या पता चलता है कि नहीं, वो डिफरेंस है, डाइट का इम्पैक्ट हुआ है, जो 15 वीमेन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनके वेट को कम करने के लिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और फिर अच्छा, एक चीज़ और हम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये रिपीटेड मेजर्स एनोवा है, अगर इसी के इक्वलेंट इसके एजम्पशन फुलफिल नहीं होते हैं तब हम फ्रीडमैन एनोवा में जाएंगे। ये जो टेस्ट है ये बिल्कुल रिपीटेड मेजर एनोवा की तरह ही है, सेम जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको हम रिपीटेडली मेजर करेंगे, बस डिफरेंस ये है कि ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। चूँकि इसके एजम्पशन फुलफिल हो रहे थे तो हमने रिपीटेड मेजर एनोवा लगाया, अगर इसके एजम्पशन फुलफिल नहीं होते तो हम फिर फ्रीडमैन एनोवा लगाते हैं। फ्रीडमैन एनोवा भी वही चीज़ें बताता है जो रिपीटेड मेजर एनोवा कर रहा है।
ठीक है दोस्तों, तो अब हम अगले लेक्चर में मैन वाइटनी और ये विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट लेंगे। थैंक यू।